हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। मेरा जिस तरह से वायदा था कि 15 तारीख को मैं आपको पहला वीडियो दूंगा जिसमें आपको मैं 50 क्वेश्चन दूंगा और हर क्वेश्चन के 4 जवाब होंगे जिसमें 3 गलत होगा और 1 सही होगा और वो जवाब आपको ढूंढना है। और तो ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छा धर्म होता है। मैं आपको एक चीज ये बताता चलूं कि जो 50 क्वेश्चन के जवाब होंगे वो भी आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप वो जवाब पहले मत देखिएगा। केवल आप सवाल जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं आप उसको अटेंड कीजिए और ईमानदारी से उसको सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन 4 जवाब, 3 गलत, 1 सही, इस तरह से 50 क्वेश्चन। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर आपने मेरे चैनल को डेली अटेंड किया और डेली 50-50 क्वेश्चन अगर आपने अटेंड किए और उनका सॉल्यूशन भी आपको मिल गए तो एक महीने में आप कहां से कहां पहुंचेंगे। मैं आपको 2 इंग्लिश की प्रोवर्ब सुना रहा हूं। पहली है वेल बिगेन इज हाफ डन, और ये जो प्रोवर्ब है ये आपके लिए है। वेल बिगेन इज हाफ डन का मतलब होता है दिल से सोचा हुआ काम आधा पूरा हो गया, रेस्ट ऑफ 50% यू हैव टू डू। किसी भी हालत में आप ये मत सोचिएगा कि मुझे 50% बाद में करना है या देखता हूं कैसे होता है, कुछ नहीं। देखिए, अगर हम हैं तो सब कुछ है और हम नहीं हैं तो कुछ नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, गलत हूं तो आप उसका सॉल्यूशन भी उसके अंदर देखिए और अपने आप से पूछिए कि आपने कितना आज अर्न किया है, नॉलेज कितनी आपने पाई है। दूसरा जो प्रोवर्ब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही अच्छा है और वो भी मैं आपको ही डेडिकेट कर रहा हूं कि एक्सटेंड टू द कर्टसी इफ यू वांट टू रिसीव। इसका मतलब कि अगर आप दूसरों से कुछ भी चाहते हैं तो वो चीज आप पहले खुद कीजिए। मेरी इच्छा थी बहुत ही पहले कि मैं एक ऑफिसर बनूंगा या बहुत अच्छा कोई कदम बढ़ाऊंगा, तो मैं उतना अच्छा तो नहीं बढ़ा पाया जितना कि मुझे पूरी उम्मीद थी अपने आप से, लेकिन मैं आज कोशिश ये करता हूं कि मेरा हर कदम ऐसा उठे जिससे और दूसरे मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को फायदा हो। इसलिए मैंने कोशिश ये की है कि मैं डेली आपको 50 क्वेश्चन भेजूंगा और आपको सॉल्व करने हैं। और उसके साथ साथ दूसरी कोशिश मेरी यह है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनके लिए भी मैंने कोशिश की, अल्टरनेट डे पे पहले मैं हिंदी में क्वेश्चन भेजूंगा फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में भेजूंगा। दूसरा मेरा फायदा यह है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल मत घबराइए, आप इंग्लिश के भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मेरा आपसे वादा है कि आप खुद इतने अच्छे हैं कि आपका सजेशन मुझे फायदा देने वाला है। आप मेहनत करते रहिए और मैं आपको क्वेश्चन भेजता रहूंगा, लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को पहचानिए कि आप हैं कौन। अगर आपने अपने आप को पहचान लिया, यानी मेरा जो प्रोवर्ब था पहले वाला एक्सटेंड टू अदर कर्टसी इफ यू वांट टू रिसीव, अगर आप दूसरे से कुछ चाहते हैं तो पहले खुद कुछ करिए, तो ये चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि आप अपने आप को पहचानिए। अगर आपने अपने आप को पहचान लिया तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप उस जगह पहुंचेंगे जहां पर मैं आपको देखना चाहता हूं। मैं पूरी दुआ करता हूं कि आप सब लोग उस जगह पहुंचिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं और अगर हम कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन होगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाहूंगा, ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ
मैं ही आपको दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, नहीं, आई एम गुड फॉर नथिंग पर्सन इन दिस वर्ल्ड, बट आई एम डूइंग समथिंग फॉर यू। आपके पास किसी तरह का कोई भी सजेशन हो, कोई भी राय हो, तो आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जाके एक कमेंट जरूर दीजिए। मेरा आपसे वादा है कि विद इन 24 आवर्स आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। इसी तरह से डेली आप हमारी वीडियो देखते रहिए, और अगर हो सके तो जो मेरा राइट है वो जरूर कीजिए, इसको आप शेयर जरूर कीजिए अपने नियर एंड डियर में, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज प्लीज एक छोटा सा कमेंट जरूर दीजिए। इसी से आप दीजिए वसीम को इजाजत। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, और आप मेरा वीडियो शुरू से आखिर तक देखते रहिए, वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।